So today we'll be starting with the magnetic resonance angiography. अब जो ये हमारा मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल में हमारे पास तकरीबन प्रोसीजर्स है, जो बेसिक्स हमारे पास जितनी भी थी वो तकरीबन हम पढ़ चुके हैं. देयर विल बी फ्यू दैट वी विल स्टडी मोर, जो कि हमारे पास बिल्कुल जो बेसिक फिनोमेनास है. इफ यू आर वेल अवेयर ऑफ द फिनोमेनास, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो बेसिक फिजिक्स है या एक पर्टिकुलर जो फिनोमेना जो बॉडी में हो रहा है, उन सबको हम जब टारगेट करते हैं, सो देन वी कैन अचीव दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट, खास तौर पे डायग्नोसिस पर्पसेस के लिए. अब मामला ये है कि जो आगे वाली जितनी भी है उसमें पहले वाले कुछ जो है, इट्स ऑल अबाउट दैट के हमने हाउ डू वी हैव टू अचीव ए पर्टिकुलर कंडीशन जो कि डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए है. इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. तो फॉर एग्जांपल एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी वी एक्चुअली स्टडी द वेसल्स. तो वेसल्स की अपनी जो फर्स्ट थिंग इज एनाटॉमी, के ऑब्वियसली द कन्फाइंड स्ट्रक्चर वेयर द ब्लड फ्लोज हैपन्स. दूसरा ये है कि इसके अलावा हमारे पास जितनी भी ब्लड फ्लो है उसमें दो किस्म के वेरिएशन आते हैं, कुछ स्लो फ्लो है, फास्ट फ्लो है, फिर सबसे अहम हमारे पास आर्टीरियल फ्लो और उसके बाद वीनस फ्लो. सो ये मुख्तलिफ किस्म की वेरिएशन है. उन सबको हमने टारगेट करके जब बाकी उसमें कुछ और फिजिक्स भी इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल जब आपने एक स्लाइस की इमेजिंग करनी है, तो उस इमेजिंग जो स्लाइस है वहां पे तो ब्लड कहीं रुक तो नहीं रहा, कि रुक के मतलब उसमें जब हम आरएफ पल्स देते हैं तो उसमें चेंजेस आके उधर से ही हम लेंगे. नो, इट्स नॉट द केस. आपको पता है कि द ब्लड इज फ्लोइंग, जब फ्लो कर रहे हैं कंटिन्यूसली तो उसके साथ फिर उसी हिसाब से हम फिजिक्स अप्लाई करेंगे. उसके अलावा हमारे पास डिफ्यूजन फिनोमेना है, परफ्यूजन फिनोमेना है, फिर उसमें आइसोट्रोपिक परफ्यूजन है, एनआइसोट्रोपिक है. सो देयर आर कार्डिक इमेजिंग में आप देख लें कि इट्स हैविंग अ डिफरेंट फिनोमेना. सो इन सब को हम एक एक करके पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर जो हमारे पास जो इस सेमेस्टर में जो हमारे पास एमआरआई है. तो इट्स मोर ऑफ एडवांस कंपेयर टू द प्रीवियस वन. प्रीवियस वाज वेरी बेसिक्स. अब जो आज हम पढ़ेंगे, इट विल बी मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी. अब मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी जो है क्या है एक्चुअली. मैग्नेटिक रेजोनेंस एंड फॉर द इमेजिंग इट्स एंजियोग्राफी. सो इन एंजियोग्राफी वी आर ओनली टारगेटिंग द ऑल ऑफ द वेसल्स. द वेसल्स आर नॉट ओनली द आर्टरीज बट आल्सो वेन्स. सो सबको हम टारगेट करके इसमें पढ़ेंगे. ओके, लेट मी ओके. अच्छा, सो लर्निंग आउटकम इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर विल बी इंट्रोडक्शन टू एमआरआई, के व्हाट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी, व्हाई डू वी यूज देम एंड व्हाई डू वांट टू यूज दिस पर्टिकुलर जो इमेजिंग टेक्निक है. फिर इसमें एंजियोग्राफी दो तरीकों से हम कर सकते हैं. एक जो कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी थी उसको हम एमआरआई टेक्निक्स कहेंगे, और एक जो हमारे पास प्रॉपर जो लेटेस्ट टेक्निक्स है उसमें प्रॉपर एंजियोग्राफी, खासतौर पर उसमें कंट्रास्ट हम इस्तेमाल करते हैं. तो कन्वेंशनल एमआरआई वेस्कुलर इमेजिंग इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है. फिर जो इस पर्टिकुलर जो लेक्चर है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम कंट्रास्ट बेस्ड चीजें पढ़ेंगे और उसमें फेस कंट्रास्ट शिफ्ट्स वगैरह पढ़ेंगे. इसमें जो अभी आज का लेक्चर है इसमें हम ब्राइट ब्लड इमेजिंग कहते हैं, ब्लैक ब्लड इमेजिंग, और उसके अलावा टाइम ऑफ फ्लाइट्स जो है, ये सारी जो हमारे पास टाइप्स है ये तकरीबन हमारे इसमें हमारे पास मतलब आपको पता है कि जब हम एंजियोग्राफी करते हैं, फॉर दैट वी नीड कंट्रास्ट मीडिया. सो हेयर वी डोंट नीड एनी ऑफ द कंट्रास्ट मीडिया. हम सिर्फ फिजिक्स को यूज करके एंजियोग्राफी कर भी उसमें भी हम कर सकते हैं. सो बेसिकली टू टाइप्स, वन इज द कन्वेंशनल एमआरआई. दैट टाइप ऑफ एमआरआई इज एक्चुअली यूज फॉर द वेस्कुलर विजुअलाइजेशन ओनली, कि हम वेसल को देख सके. अब जो हमारे पास एमआरआई है, एमआरआई इज समथिंग दैट वी विल बी ओनली यूजिंग देम टू विजुअलाइज द मूविंग ब्लड. सो दो चीजें हैं, एक ब्लड वेसल को आप टू डायमेंशनल में देख के आप जस्ट देख सकते हैं कि वहां पे फिलिंग डिफेक्ट है. फिलिंग डिफेक्ट मीन्स कि वहां पे आपको लग रहा है कि और आपको दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे ब्लड वेसल जा रही है. द नेक्स्ट वन इज द एमआरआई. एमआरआई इज समथिंग जो कि हमारे पास एंजियोग्राफी है, विच यू आर एक्टिवली सीइंग दैट. अब कन्वेंशनल एमआरआई में आप एक ही स्लाइस में आप इमेज के अंदर ही बाकी स्ट्रक्चर के साथ ही आप जो विसल जा रही है तो उसमें आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. बट एमआरआई में यह है कि
अब अगर हम पोस्ट प्रोसेसिंग टेक्निक इस्तेमाल करेंगे तो हम बाकी जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स है विच आर नॉट रिक्वायर्ड, खासतौर पे एंजियोग्राफी में हमें वेसल्स ही नजर आने चाहिए, सो वी कैन टेक द ओनली द फ्लो ऑफ दोज ब्लड वेसल्स. तो ये हमारे पास एमआरए में एडवांटेज आ जाती है. एमआरए स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी, एंड बाय एंजियोग्राफी वी मींस स्टडिंग द वेसल्स. बाय स्टडिंग द वेसल्स मींस टू थिंग्स, स्टडिंग द आर्टेरियो मीन्स आर्टेरियल सिस्टम और आइदर द वीनस सिस्टम. व्हाई एमआरए इज एन अट्रैक्टिव ऑप्शन फॉर द वेस्कुलर असेसमेंट कंपेयर टू. अब अगर हम देखते हैं तो हमारे पास दो किस्म के और भी एंजियोग्राफीज हो सकती है और होती है. एक जो हमारे पास कन्वेंशनल है, या कन्वेंशनल नहीं पुराना, इसको हम इन्वेसिव टेक्निक कह सकते हैं. वी कॉल इट द डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी, जो कि डीएसए है. उसके अलावा सीटीए भी है, जो कि कंप्यूटर टोमोग्राफी एंजियोग्राफी है. और उसके अलावा फ्लोरोस्कोपिक बेस्ड टेक्निक्स जो है, खासतौर पे इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में भी हम इस्तेमाल करते हैं. इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में यू नो कि वी पंक्चर द पर्टिकुलर वेसल, आया आर्टेरियोग्राफी करनी है, वीनोग्राफी. वो तकरीबन डीएसए उसी में आ गया. अब एमआरए, सो वी कैन कंपेयर के डीएसए कंपेयर टू सीटीए एंड कंपेयर टू द एमआरए, बिटवीन देम देयर इज अ हेल ऑफ अ डिफरेंस. अब हमारे पास जो कन्वेंशनल या जो पुराना डीएसए मेथोडोलॉजी है, डीएसए में ये है कि आपने पहले एनपीओ करना होता है ऑफ अ पेशेंट, देन यू विल हैव टू चेक द वाइटल्स कि इसकी इसका ब्लड प्रेशर ठीक है, टेम्परेचर ठीक है, बाकी इसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन ठीक है. उसके अलावा आईएनआर, पीटीआईएनआर, पीटीआईएनआर इसको हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन, जो है प्रोथ्रोम्बिन, और उसको आईएनआर स्टैंड्स फॉर द इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो. सो एक्चुअली दीज आर समथिंग. ये ब्लड टेस्ट हम इसलिए करते थे कि जब हम डीएसए करते होते हैं उससे पहले ये टेस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो पेशेंट है उसका जो ब्लड है वो क्लॉट हो भी जाएगा कि नहीं, क्योंकि आप एक मेजर अर्टरी को रप्चर कर रहे हैं. हमारे पास डीएसए इन्वेसिव टेक्निक आ गई. उसके अलावा पोस्ट केयर और प्री केयर भी बहुत ज्यादा उसमें होती है. ऑब्वियसली उससे हमने आगे एडवांस जब करते हैं तो हमें ऐसी टेक्निक चाहिए जिसमें वो खामियां ना हो. खामियां इन वे कि आप जब नई टेक्निक लाते हैं उसमें आपने देखना होता है कि कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं है, पैसा कम लग रहा है उस पर. दूसरा ये है कि उसमें इन्वेसिवनेस कम है कि ज्यादा है. इन्वेसिवनेस का मतलब ये है कि देर शुडन बी मेजर, जो कि एक बंदे को ना तकलीफ उससे ज्यादा ना हो. तो आपको पता है कि जो मेजर अर्टरी हम रप्चर करते हैं तो देर इज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, जो बाद में पोस्ट प्रोसेसिंग में भी हम पोस्ट केयर में भी हमें देखने होती है कि उस पेशेंट की जो केयर है उसको हम देख सके कि वो ऐसा ना हो कि वो वेसल जो है उससे ब्लीडिंग हो रही हो. फिर सीटीए आ गया. तो सीटीए ऑब्वियसली कि सीटीए में क्या है, जो हम ड्रॉबैक की बात करेंगे, ड्रॉबैक में सबसे पहले हमारे पास के हाई रेडिएशन डोजेज होती है. सेकेंडली ये है कि जो कंट्रास्ट मीडिया उसमें इस्तेमाल होता है वो आपने डेफिनेटली ही कंट्रास्ट मीडिया से आपने करना है, जो हमारे पास सीटीए है. बट इन एमआरए आपके आपने कंट्रास्ट इस्तेमाल करना है या नहीं करना डजंट मैटर, वो कोई खास मैटर नहीं करती. क्योंकि दो तरीकों से हम एमआरए में कर सकते हैं, कंट्रास्ट यूज करना है या यूज नहीं करना. यूज ना करने की भी के साथ भी हम पर्टिकुलर जो इमेजिंग है वो कर सकते हैं, क्योंकि वी आर टारगेटिंग ओनली अ पर्टिकुलर फिनोमेना, और खासतौर पर फिजिक्स उसको हम देखते हैं. सीटीए में कंट्रास्ट जरूर इस्तेमाल करना है, ऑब्वियसली हाई रेडिएशन डोजेज है. पोस्ट केयर में ये है कि पेशेंट को आपने देखना है कि उसमें जो इतने कंट्रास्ट आप इस्तेमाल करते हैं, जो एमआर बेस है, आयोडीन बेस खासतौर पे, सीटी बेस सॉरी, और खासतौर पे आयोडीन बेस, तो उसमें आपने देखना है कि उस पर्टिकुलर पेशेंट को पोस्ट जो कंट्रास्ट दिया है उसमें वो मसले तो नहीं है. सो दैट्स व्हाई वी हम अगर तीन चीजों को कंपेयर करते हैं, डीएसए को, फिर सीटीए को जो कंप्यूटर टोमोग्राफी एंजियोग्राफी है, और एमआरए को, तो एमआरए में हमारे पास ये अट्रैक्टिव ऑप्शन इस वजह से है कि हम वेस्कुलर असेसमेंट कर सकते हैं, खासतौर पे नॉन इन्वेसिव, लेक ऑफ रेडिएशन इज देयर, ऑप्शन विदाउट कंट्रास्ट इज देयर, कंट्रास्ट गेडोलिनियम यूज करना है या नहीं करना, ये दोनों हो सकते हैं. आज जो हम एमआरए के बारे में पढ़ेंगे उसमें सारा हमारे पास जो है आज, इट विल बी ओनली विदाउट कंट्रास्ट, कि हम विदाउट कंट्रास्ट कैसे फिजिकली इस्तेमाल कर से करके आप इमेजिंग ले सकते हैं. आई एम क्वाइट होपफुल कि आप मुझे सुन रहे हैं. If you can't listen to me, you can make a comment over here as well. तो आप comment भी कर सकते हैं. मैं देख रहा था कि कौन-कौन participate कर रहे हैं.
ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, जो कि हमारे पास है एमआरआई टेक्निक्स। तो एमआरआई टेक्निक्स में हम स्पिन एको इस्तेमाल कर रहे हैं एक्विजिशन विद द स्पेशल प्री सिचुएशन, जो खासतौर पे ब्लैक ब्लड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। खासतौर पे हम जो अभी नेक्स्ट मेरा स्लाइड है और उससे आगे वाला है, उसमें दो चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, वन इज द ब्राइट ब्लड इमेजिंग और ब्लैक ब्लड इमेजिंग। अब जो कन्वेंशनल एमआरआई टेक्निक्स है उसमें हम स्पिन एको इस्तेमाल करते हैं। बाय स्पिन एको वी मीन ऑब्वियसली के 90 डिग्री फॉलोड बाय दैट, जो कि आप बाकी चीजों को देखते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक 180 देना है अगर इमरजेंसी रिकवरी करना है, या बाकी आप देख आपने अच्छी तरह प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ लिया है। जीआरई में वी आर यूजिंग द ग्रेडियंट, जिसमें स्मॉल जो है आप इस्तेमाल करते हैं एंगल्स। अब एसई एक्विजिशन विद स्पेशल प्री सैचुरेशन का मतलब ये है कि जब हम हमें पता है कि जब ब्लड फ्लो कर रही है विद इन द अर्टरी और वेन, उसमें मामला ये है कि अगर आप एक आपको पता है कि हमारे पास तीन किस्म के हम इस्तेमाल करते हैं ग्रेडियंट्स, जो कि स्लाइस सिलेक्शन है, फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन है, और उसके अलावा फेस सिलेक्शन है। अब जो हमारे पास स्लाइस सिलेक्शन वाला है उसमें इशू ये है कि अगर हम एक पर्टिकुलर स्लाइस को सिलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी जो गुजर रही है, हाँ वो राइट है लेफ्ट है, उसमें उसके साथ जुगुलर वेन भी साथ गुजर रही है नहीं? तो उसमें यह है कि अगर एक पर्टिकुलर स्लाइस आप लेते हैं, उस स्लाइस से अगर आपने आरएफ पल्स अप्लाई कर ली है, अब आरएफ पल्स जब आपने अप्लाई की है तो हमें पता है और ये हम पढ़ चुके हैं कि आपने उसी एरिया को जब आप स्पिन एको या ग्रेडियंट एको आप जब ऑफ करते हैं हमारे पास आरएफ पल्स, उसके बाद क्या आता है, वहां से सिग्नल आता है। सो अगर हम सिग्नल को रीड करते हैं तो हमारे पास पर्टिकुलर इमेज आ जाता है उस एरिया का। अब इशू ये है कि ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड वेसल्स में आपको पता है कि फ्लो हो रही है। अब विद स्पेशल प्री सैचुरेशन, इसका मतलब ये है कि देयर आर सम टेक्निक्स दैट वी विल बी यूजिंग, के जब हमारे पास एक टारगेटेड वेसल है उसमें ब्लड आ रही है, तो उस पर्टिकुलर स्लाइस को हम जब रीड आउट करेंगे तो उससे पहला जो खासतौर पे ब्लड वेसल का एरिया है उसको हम सैचुरेट करेंगे, ताकि जो हमारे पास कुछ टाइम के बाद जब हम आपको बताए टेक्स टीई टाइम ऑफ एको इज द टाइम द टेक्स जो कि हमारे पास सिग्नल आता है, अब उसको हमने टाइम देना है ताकि जब हम सिग्नल लेते हैं तो इट टेक्स टाइम। सो इस वजह से हम प्री सैचुरेशन अप्लाई करते हैं ताकि एक पर्टिकुलर टाइम पे जब जिस स्लाइस से ले रहे हैं उस स्लाइस से ही हमारे पास जब इमेज आता है तो उसमें ब्लड वेसल का इंफॉर्मेशन शामिल हो। सो दैट्स द थिंग दैट वी यूज फॉर ब्लैक ब्लड इमेजिंग। अब जीआरई जो है इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे। जीआरई ग्रेडियंट जो है, जीआरई ग्रेडियंट में हमारे पास ग्रेडियंट मूवमेंट नलिंग करते हैं हम। ग्रेडियंट मूवमेंट नलिंग का मतलब ये होता है कि जब ब्लड फ्लो जा रही है और स्टेशनरी जो हमारे पास एरियाज है। अब ये दो टेक्निक्स है, वन इज द स्पिन एको, आपको पता है कि स्पिन एको टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, जीआरई बेस्ड जो है इट टेक्स लेस टाइम। अब जो हायर टेक्निक्स आजकल हमारे पास आई हुई है, हायर अच्छी जो सिक्वेंसेज आई हुई है, उस सिक्वेंसेज में हम जीआरई इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर दैट केस जब हमारे पास स्टेशनरी और ब्लड वेसल, हम फिर एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि आप कैरोटिड आर्टरी की एरिया को आप देख लें, उस एरिया में जो कैरोटिड आर्टरी वाला एरिया है, एक स्लाइस एक्सियल स्लाइस लेते हैं तो उस स्लाइस में हमारे पास स्टेशनरी टिश्यूज भी है जो, और उसके साथ हमारे पास ब्लड वेसल्स भी जा रही है। अब मामला ये है कि ग्रेडियंट नलिंग का मतलब ये है कि यूजिंग द ग्रेडियंट और जो हमारे पास आसपास के सॉफ्ट टिश्यूज है, जो स्टेशनरी टिश्यूज हैं, उसके सिग्नल को अगर हम खत्म करते हैं तो हमारे पास सिर्फ इमेज आ सकता है ब्लड वेसल्स का। दैट्स द टेक्निक दैट इज यूज, वी कॉल इट द ग्रेडियंट मूवमेंट नलिंग, जो कि ब्लड ब्राइट ब्लड के लिए इस्तेमाल होता है। द थर्ड वन इज द सब्सट्रैक्शन टेक्निक। सब्सट्रैक्शन टेक्निक सिंपल है, अगर हमें हर्ट का एग्जाम्पल लूँ या अगर बाकी भी वेसल्स का एग्जाम्पल ले तो आपको पता है कि जो अर्टरी है उसमें यू कैन फील योर अर्टरी, हाँ वो आप कैरोटिड अर्टरी अगर आप अपने गर्दन पे हाथ रखते हैं, उंगलियां रखते हैं, तो उसमें आपको फील, आप यू कैन सेंसेट इट जो आपके पास कैरोटिड अर्टरी है। सिमिलर द केस विद द रेडियल अर्टरी जो आप मेजर करते हैं फॉर द हार्ट बीट के हाई है कि कम है, तो यू कैन सी कि देयर इज अ
heartbeat, the systole happens, and then there is a pause. The pause is actually the break. The break is the diastole. So in do ke darmiyan bhi hamare paas ek change hai. Change hai na, like systole mein artery ya vein ya vessel jo hai, wo kya ho jata hai? Wo systole mein dilate ho jata hai. Or diastole mein systole is something jo kya bolte hai, is a pump, jo ke pressure pump aa raha hai, theek hai na? ये आप विसल पे अप्लाई करें, हर्ट पे अप्लाई ना करें. हर्ट पे करेंगे तो ऑब्वियसली के इनलार्जमेंट ऑफ द हर्ट, टेकिंग वॉल्यूम ऑफ द ब्लड बाय द हर्ट इज डायस्टॉल. और जो हमारे पास पुश आउट करते हैं, कंट्रैक्शन करते हैं, वी कॉल इट द सिस्टोल. ये वो कॉन्सेप्ट नहीं है. यहाँ पे आप विसल को देखें. विसल में क्या है कि हमारे पास जो विसल है ये तब सिस्टोली में जाता है व्हेन देयर इज अ बीट दैट हैपेंस. तो बीट में ब्लड आपका जो प्रेशर है वो आप सेंसेट कर सकते हैं. सो देयर इज आल्सो अ रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोल एंड दैट ऑफ अ डायस्टोल. इनको जब सबस्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको वो चेंज महसूस होता है. और इस टेक्निक्स को हम इस्तेमाल करते हैं फॉर विजुलाइजेशन ऑफ द वेसल स्ट्रक्चर. सो ये भी हमारे पास एक टेक्निक है जो MRI बेस्ड टेक्निक है. MRA बेस्ड जो टेक्निक्स है जिसको हम सेकेंड लेक्चर में पढ़ेंगे, कुछ इसकी जो इंफॉर्मेशन है MRA टेक्निक्स में, कुछ डिजिटल इंफॉर्मेशन है और कुछ हमारे पास डिजिटल इंफॉर्मेशन का मतलब यह है कि जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है और लेटेस्ट सीक्वेंसेस आई है उसमें हमारे पास डिजिटल सब्सट्रैक्शन MRA आ गया. वो दो तरीकों से हो सकता है. उसमें आप कंट्रास्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो, इस पर्टिकुलर फिनोमिना को इस्तेमाल कर सकते हैं एंड विदाउट यूजिंग द कंट्रास्ट मीडिया एज वेल. दूसरा हमारे पास जो है इट्स अ टाइम ऑफ फ्लाइट. सो टाइम ऑफ फ्लाइट में हमारे पास टू डायमेंशनल है, थ्री डायमेंशनल है और एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं MOTSA, MOTSA, वो भी हम बाद में पढ़ेंगे. एंड जो थर्ड टेक्निक है इट्स कॉल्ड द फेस कंट्रास्ट. और उसके अलावा हमारे पास जो कंट्रास्ट एनहांस्ड MRI है, जो पहले वाले हैं, इन सबको हम कहते हैं NCEMRA, नॉन कंट्रास्ट एनहांस्ड MRA. और जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट देखें, वी कॉल्ड इट द कंट्रास्ट एनहांस्ड MRA, which is like you will be using the gadolinium contrast media. Ab jo conventional MRI mein hai, this is used to evaluate the vascular structure. Flowing blood appears differently are various types of the sequences. Ab ye jo do images maine aapko dikhaye hain, jo pehla image of the heart aap dekh sakte hain ki this particular image jo upar wala hai figure 3A, इसमें एक्चुअली बताया हुआ है कि एक टेक्निक है जो हम पढ़ेंगे अब, उसको वी कॉल इट द ब्राइट ब्लड इमेजिंग, BBI. और जो लास्ट वाला इमेज है 3C, इट्स वी कॉल इट द ब्लैक ब्लड इमेजिंग. इट्स द सेम थिंग इज BBI एज वेल, बट इट्स द ब्लैक वन. क्योंकि आप देखें कि हर्ट की जो चैम्बर्स हमें नजर आ रहे हैं इन द फर्स्ट वन, it appears as a bright one, but in the later one ye hamare paas aap dekh sakte hain ki it appears as a darker. So the blood appears either you need it a bright appearance or jo hamare paas ya black appearance. You can also differentiate over here ki jo aapke paas ye wala area hai, this is the aorta. So aorta mein bhi aapke paas the blood appears as a bright one aur yahan aap dekhe, so it appears as a darker one. So this is the difference between the bright blood and the black blood. Baki sequences we can use spin echo, fast spin echo, inversion recovery jo hum pad chuke hain, or gradient based echo as well. So these are the four techniques jo ki sequences hai, we can use them in the conventional MRI. कंट्रास्ट एनहांस्ड और नॉन कंट्रास्ट एनहांस्ड में हम बड़ी डिटेल से बात कर चुके हैं. नॉन कंट्रास्ट एनहांसमेंट में असल में क्या है, रिलायबल टेक्निक है, एक्यूरेट भी है, जिसको सर्कल ऑफ वेलेस खासतौर पे बहुत अच्छी तरह हम देख सकते हैं. नॉन कंट्रास्ट इज सफिशिएंट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द सर्कल ऑफ वेलेस में काफ़ी मसले होते हैं. सर्कल ऑफ वेलेस इज नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स दैट हैज बीन फॉर्म बेस ऑफ द स्कल से ऊपर, जो स्कल के अंदर है और बेस ऑफ द स्कल के साइड पे, जिसमें हमारे पास कैरोटिड आर्टरीज आके नेटवर्क कर जाती है. देन देयर इज अ डिफरेंशिएशन कि यू नो सेरेब्रल इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज है, मिडिल सेरेब्रल आर्टरीज है, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज है और फिर सेरेब्रलर आर्टरीज है. सो ऑल ऑफ देम आर मेकिंग नेटवर्क जो कि इंटीरियर कम्युनिकेटिंग पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग के साथ मिलकर सर्कल ऑफ वेलेस बनाती है. अब मामला ये है कि बहुत सारे हमारे पास पेशेंट्स होते हैं
जो कि स्ट्रोक पेशेंट होते हैं। स्ट्रोक पेशेंट्स में ये मामला होता है, इसमें दो किस्म के स्ट्रोक होते हैं, यू नो के वन इज द इस्केमिक स्ट्रोक एंड द अदर वन इज द हेमरेजिक स्ट्रोक। अब जो हेमरेजिक स्ट्रोक है इसके कुछ बेसिस है, उस बेसिस में ये शामिल है कि कुछ हमारे पास पेशेंट्स होते हैं उनमें एन्यूरिज्म फॉर्मेशन हो जाती है। एन्यूरिज्म फॉर्मेशन का मतलब ये है कि जो अर्टरीज है उसमें कहीं पे ब्लड प्रेशर जब हाई होता है तो वहाँ पे स्किन जो वेसल्स है उसकी थिनिंग हो जाती है और वहाँ पे बल्ज कर जाता है, और जब रप्चर कर जाता है वी कॉल इट द हेमरेजिक स्ट्रोक, और उस स्ट्रोक की वजह से इश्यूज होते हैं। सो दैट्स व्हाई ये हमारे पास जो सर्कल ऑफ एलिस है, नॉन कंट्रास्ट इज सफिशिएंट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द एन्यूरिज्म्स एंड ब्लॉकेजेस स्टेनोसिस वगैरह हम देख सकते हैं। अब आपको पता है कि नॉन कंट्रास्ट हम इस वजह से प्रेफर करते हैं कि गैडोलिनियम बेस जो है उसमें एनएसएफ होता है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय एनएसएफ? इट्स कॉल्ड द नेफ्रोजेनिक सिस्टेमिक फाइब्रोसिस। फिर हमारे पास जो कंट्रास्ट एनहांस एमआरए है, कंट्रास्ट एनहांस एमआरए में हमारे पास दैट द बेस्ट मेथड टू स्टडी द वेसल्स, बिकॉज आपके पास जो वेसल्स है ब्लड वेसल्स है वो अच्छी तरह नजर आ जाते हैं यूजिंग द कंट्रास्ट मीडिया। ओके सो नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर। तो नॉन कंट्रास्ट एनहांस एमआरए में हमारे पास दो किस्म के आ गए हैं, जिसमें हम बीबीआई ब्लैक ब्लड इमेजिंग, और इसके बाद बीआरबीआई जिसमें ब्राइट ब्लड इमेजिंग। दीज पर्टिकुलर इमेजेस एमआर इमेजेस आर शोन ऑन अनुअल ऑन द स्क्रीन इज एक्चुअली, और ऊपर वाला है इट्स द मिड ब्रेन का जो एक्सियल है उसमें आप देख सकते हैं कि यू कैन डिफरेंशिएट ऑल ऑफ द ब्लड वेसल्स वेरी वेरी फाइनली बिकॉज इट्स बीन टेकन बाय द थाई जो हमारे पास टेस्ला इमेजिंग है, इमेजिंग मोडेलिटी है इसमें एमआरआई हाई टेस्ला 1.3 1.5 से ऊपर ऊपर 3 टेस्ला वगैरह में। सो द ब्लड वेसल्स अपीयर एज अ डार्कर वन एंड यू कैन डिफरेंशिएट देम, जो कि आपको इधर नजर आ रहे हैं ये सारे, ठीक है, एंड आर्टरीज एंड जो आपके पास नजर आ रही है यू कैन सी देम। दूसरा हमारे पास जो है दिस वन जिसमें फॉर एग्जांपल एब्डोमिनल एओर्टा, सो हैव अ लुक के हाउ वी कैन सी द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो कि जिसमें एसवीसीबी इधर नजर आ रही है, एमपी है मेन पल्मोनरी आर्टरी, ऑल ऑफ देम द ब्लड विद इन देम अपीयर इज अ डार्कर वन, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द ब्लड इमेजिंग। अब द ब्लड अपीयर इज अ ब्लैक, how do we can achieve it by spin echo 90 degree rf pulse followed by that the 180 degree rf pulse। अब the flowing blood जो कि protons है do not receive rf excitation। अब मामला ये है कि if you take this particular area particular slice जब आप select करते हैं तो उस slice में अगर आप देखते हैं तो आप spin echo apply करते हैं। spin echo में क्या है कि 90 degree आपने apply किया, 180 degree apply किया, उसके बाद क्या है के जो पर्टिकुलर एरिया है, तो उस एरिया में हमारे पास प्रोटॉन्स होती है। प्रोटॉन्स में ये है कि ब्लड वेसल के अंदर भी प्रोटॉन है, सॉफ्ट टिश्यूज के दरमियान में प्रोटॉन है। फॉर एग्जाम्पल टेकिंग दिस वेरी एग्जाम्पल ऑफ द मिड ब्रेन, क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल जो है उसके अंदर ब्लड फ्लो कर रही है और उसमें प्रोटॉन्स है एंड सिमिलर अदर प्रोटॉन्स विद इन दीज ग्रे मैटर इन व्हाइट मैटर्स। अब जब हम आरएफ पल्स अप्लाई करते हैं तो सिचुएशन हैपेंस ओनली वेयर ओनली हैपेंस इन द स्टेशनरी जो हमारे पास एरियाज है या जो टिश्यूज, स्टेशनरी टिश्यूज का मतलब ये है कि ग्रे हो गया एरिया और जो ग्रे मैटर एरिया व्हाइट मैटर एरिया, इस इन जो पर्टिकुलर टिश्यूज है ये जब आरएफ पल्स एक्साइटेशन करती हैं तो यहाँ पे चेंज आ जाता है 90 डिग्री आरएफ पल्स, उसके अलावा 180 डिग्री अगर आपने देखना है। सो द सिग्नल अपेयर फ्रॉम दिस विल पर्टिकुलर एरिया विल बी ओनली फ्रॉम दीज सॉफ्ट टिश्यू, दे आर स्टेशनरी। स्टेशनरी जो टिश्यूज है सिचुएशन वहां पे हुई है। अब ब्लड सिचुएशन इस वजह से नहीं हो रहा कि ब्लड फ्लो कर रहा है, अगर आपने आरएफ 90 डिग्री आरएफ पल्स अप्लाई भी की है तो वहां पे चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जब आप टीई अप्लाई करेंगे टाइम ऑफ एको जब आप सिग्नल लेंगे तो वो जो आरएफ आपने आरएफ पल्स की सेचुरेशन दी है
ब्लड तो वो वाला ब्लड तो निकल गया उस पर्टिकुलर स्लाइस से, तो दैट्स व्हाई आपके पास जो वो एरिया है उससे सिग्नल नहीं आएगा। जब सिग्नल नहीं आएगा तब वो आपके पास इट विल अपीयर एज अ ब्लैक या डार्कर। तो तभी आपके पास अगर दो चीजें हैं वो होंगी तो आपके पास नजर आ सकती है। द फर्स्ट इज स्लो फ्लो। स्लो फ्लो क्यों? स्लो फ्लो ये कि फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर डायमीटर का एक वेसल है, तो उस वेसल की जो ब्लड फ्लो है वो फ्लो अगर स्लो हुई है, तो स्लो होने का मतलब यह है कि आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन पड़ा है। पहली चीज, वो क्लॉट भी हो सकता है, वो क्लॉट भी हो सकता है, और उसके अलावा जो पीछे बैक फ्लो, आपको पता है कि बिहाइंड एवरी ऑब्स्ट्रक्शन देयर इज अ डायलेटेशन, तो डायलेटेशन में ब्लड फ्लो स्लो हो जाती है। तो इस वजह से जो स्लो फ्लो एरिया है, क्योंकि स्लो फ्लो एरिया में यह है कि वहां आरएफ पल्स रिसीव हुआ है या क्लॉट जो है वो तो स्टेटिक है, एक जगह पे रुका हुआ है, तो वहां से अगर दोबारा जब आप इमेजिंग ले रहे हैं तो वो ब्लड मूव नहीं किए, उसने मूव नहीं किया। सो दैट्स व्हाई